देना कि जिंदगी की मंजूरी का मामला कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नया फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच कल केस की समाप्त करेगा। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे मलिक अशरफ से। अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर शाह की मंजूरी के बाद बेगम कुलसुम नवाज के हल्का NX 120 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी नया फुल बेंच तश्कील दिया गया है और इस बेंच की सदाई जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, जबकि जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस बेंच के हिस्सा होंगे। ये 3 रुकनी फुल बेंच कल बेगम कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर समेत 3 दरखास्तगुजारों ने इन कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज करते हुए मौकफ तैयार किया कि बेगम कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर के अहलियत के नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद रिटर्निंग अफसर ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अख्तर। यहाँ वक्त हुआ है।